दोस्तों यह वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल ही मत छोड़ना, क्योंकि हो सकते हैं आने वाले टाइम में आपको बिच्छू काट ले, फिर आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि बिच्छू एक ऐसा जहरीला जीव है जो कि काट लेने पर दोस्तों हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर जिसे बिच्छू ने डंग मारा दोस्तों वही आदमी जान पाएंगे इसकी पीड़ा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बिच्छू काटने पर कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए। बिच्छू के काटे हुए स्थान पर कुछ ऐसा मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा लगाने के लिए, जो कि कभी भी आपको काम आ सकते हैं। देखिए कभी कभी हम कुछ ऐसे जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, नजदीक में हॉस्पिटल वगैरह नहीं हो पाते, और अक्सर गांव में दोस्तों जो है बिच्छू काटने पर लोग झाड़ा फूका के चक्कर में रहते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाले, इससे और भी जो बिच्छू के जहर होता है तेजी से चढ़ने लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, बिच्छू के जहर उतारने वाला सरल तरीका बताऊंगा। ये तरीका चाहे आप गांव में रहते चाहे शहर में रहते, पेन कॉपी में नोट करके रख ले, कभी भी जानकारी काम आ सकती। मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा कि कभी कभी हम कुछ ऐसे गांव में फंस जाते हैं, कभी कभी हम कुछ ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ पे मेडिकल में मिलने वाले दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, इस सिचुएशन में हमारे द्वारा आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कभी भी काम आ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर करना अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो। पहला है, बिच्छू के जहर खत्म करने के लिए फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। हमने एक वीडियो में भी बताए थे फिटकरी को दोस्तों आपको घिसना है, ठीक है, और घिस करके जहां पे बिच्छू ने डंग मारा दोस्तों वहां पे फिटकरी का लेप आपको लगाना है। इससे जो बिच्छू के प्रभावित हिस्से हैं जहां पे डंग मारे बिच्छू ने दोस्तों उस स्थान को बिल्कुल ही दोस्तों ये निस्थिल कर देती हैं, शिथिल कर देती हैं, और बिच्छू के जहर खत्म हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग, माचिस की तिल्ली। जी हाँ, माचिस की तिल्ली से भी दोस्तों बिच्छू के जहर उतारा जा सकता है। इसके लिए आपको माचिस की 4 से 5 तिल्ली, यानी जो बारूद रहता है ऊपरी वाले हिस्से, बारूद जिसे हम बोल सकते हैं काले काले हिस्से, इसे आपको निकाल लेना और पानी की सहायता से इसका पेस्ट बना करके डंग मारे जगह पर लगा देना, इससे बिच्छू के जहर उतर जाते हैं। ये दूसरा प्रयोग था। अब इसका मैं आप लोगों को तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ। जो आलू होते हैं खासकर प्राय हम घरों में खाते हैं इसका सब्जी बना करके, और आलू को अगर दोस्तों पीस करके लगा लिया जाए तो ये बिच्छू के जहर को उतार देते हैं। ये जबरदस्त है, इसका हमने रिजल्ट देखे, हमने बहुत से लोगों पे आलू का प्रयोग कराए भी हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रयोग बता रहा हूँ, ये पौधा पहचान लीजिए, इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। तो अगर इस पौधे का भी जड़ को अगर ले खन करके ले आया जाए, इसका पेस्ट बना करके जहाँ पे बिच्छू ने डंग मारा हो वहाँ पे लगाया जाए, तो इसे भी बिच्छू के जहर उतर जाते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल लगाएं तो समाज कल्याण हेतु इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करें, ताकि कभी भी किसी को भविष्य में बिच्छू मारे डंग मारे तो परेशान ना हो, इधर उधर ना जा करके ये छोटा सा घरेलू उपाय करके बिच्छू के जहर को ठीक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसे छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।